क्या लगता है अविनाश? पता नहीं भैया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। बाबूजी कोई फाइल तो पढ़ रहा है। What is he so engrossed in? बाबूजी आओ बेटा, आओ बैठो। ये फाइल तुम लोग स्टडी कर लो अच्छी तरह से। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, बल्कि अपॉर्चुनिटी से ज्यादा एक चैलेंज। अगर हम पूरी शिद्दत और लगन के साथ काम करेंगे तो आई एम श्योर हम जरूर सफल होंगे। बाबूजी, अगर आपकी गाइडेंस रही और अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो सफलता तो मिलेगी। पर ये किस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं आप? बेटा मैंने कहा था ना कि एक कंपनी अभी भी ऐसी है जो एक्सक्लूसिवली मेरे नाम पर है। कुछ अरसे से बंद पड़ी है, शायद इसीलिए नजर में नहीं आई। तो मैं चाहता हूं कि तुम इसको स्टडी कर लो, तुम मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्टडी करो कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या डिमांड है। तुम सप्लायर से बात करो कि रॉ मटेरियल हमें कितना सस्ता मिल सकता है, क्योंकि अगर हम मेहनत से काम करेंगे ना बेटा तो आई एम श्योर वेरी श्योर कि हमें जरूर फायदा होगा। वी एक्सेप्ट दिस चैलेंज बाबूजी, और हम सभी को यकीन है कि आपका विश्वास और हम सभी की हिम्मत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। वो सब ठीक है बाबूजी, लेकिन फाइनेंस का क्या करेंगे? फाइनेंस एक वक्त पर एक कदम, वन स्टेप एट अ टाइम। फाइनेंस, खैर मैं ये मानता हूं कि अगर ईमानदारी से निकलो ढूंढने ना तो रास्ते कई मिल जाते हैं, और हमें भी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल तुम दोनों इसको डिटेल से स्टडी करो जी। और बेटा एक बात और, ये बात जब तक फाइनल नहीं हो जाती हम तक ही रहनी चाहिए, किसी दूसरे के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जी। क्योंकि बेटा अपने दुश्मन के भेस में हो या दुश्मन अपने भेस में, हमारी आंखें कहां पहचान पाती हैं। ये झूम झूम के नाचत हो ना, कहीं ऐसा बखत ना आए कि रोना पड़े। अरे आदमी को अगर अच्छा बोलना नहीं आए का नाम से लाजो जी, तो सुसरे को चुप रहना चाहिए। अरे कभी किसी बखत तो अच्छी बात बोला करो। देखो अब तो अपने क्या नाम से हंसने मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। देखा नहीं घर में कैसी महाभारत छिड़ी हुई है। और इसका फायदा किसे होएगा? दुर्गा शंकर एंड फैमिली को। जानत है हम सब जानत है, पर आप समझत काहे नहीं? का? अरे वो रिमझिम और प्रतिक्वा तो एकदम चुप हो गए हैं। तो? और बड़के भैया का भी हम छोटे बेटे से बतियाते सुना। का? वो कहत रहे वो का माल की सप्लायर करेंगे। अरे माल की सप्लायर नहीं, माल की सप्लाई होते भाई। हाँ हाँ वही, वो माल की सप्लायर करेंगे और नई कंपनी भी खोलेंगे। काहे हसत हो? अरे लाजो जी, जो सपना देख देख के आदमी अपनी दुनिया बसा लेता क्या नाम से, तो बताओ हमारे तुम्हारे पास तो कितना माल होता। हम बताएं, हमरे पास बहुत बड़ा बंगला होता और 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 मोटर कार होती और आप ही बताइए क्या होता। अरे तुम सपने में भी छोटा छोटा क्यों सोचती हो ससुरा है? अरे ये सोचो कि हमारे पास क्या नाम से बड़ा सारा पानी का जहाज होता। हमारे पास बड़ा सारा हवाई जहाज होता क्या नाम से, ऐसा कुछ। अब रहने भी दो, ये सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। वही तो हम कहना चाह रहे हैं लाजो जी कि बड़के भैया के सपने भी कभी पूरे नहीं होंगे। काहे? काहे? इसलिए कि बात हम कह रहे लाजो जी, ये घर में अब कोई नई कंपनी नहीं खुलने वाली है क्या नाम से, ये दुर्गा शंकर का वचन है।
मैम आप बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ राजेश्वरी, कुछ कहने आई हूँ, या यूं कहूँ कि कुछ समझाने आई हूँ तुम्हें। तुमने मेरे साथ जो दोहरी चाल चली है उसे तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। कावेरी को भड़काने में भी तुम्हारा हाथ रहा है। कोई सफाई देने की कोशिश मत करना राजेश्वरी। और अब मेरे खिलाफ तुमने कोई भी हरकत की या कावेरी से हमदर्दी जताने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मुझ में आज भी इतनी ताकत है। तुम्हारे बेटे का ख्याल रखकर तुम्हें छोड़ रही हूं। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम ये शहर, ये देश ही छोड़ दो, वरना दोबारा मैं समझाने नहीं आऊंगी राजेश्वरी। नमस्कार। नमस्ते। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर मात्रे? क्या बात है, आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं। नैना जी आई थी अभी यहाँ पर, वो धमकी देने के लिए। घबराइए मत, उनकी धमकियों में कोई दम नहीं है। हाँ, नैना जी के यहाँ आने में और हमारे यहाँ आने में एक फर्क है। क्या? वो अब सिर्फ यही चाहती हैं कि कावेरी ये चुनाव ना लड़े, और हम यही चाहते हैं कि कावेरी अब ये चुनाव लड़े। हाँ, कावेरी की साफ और सच्ची इमेज हमें इस चुनाव में जीत जरूर दिलवाएगी। और राजेश्वरी जी, अब हम ये चाहते हैं कि आप कावेरी की मदद करें चुनाव जीतने के लिए। हमारी राजनीति को, इस देश को कावेरी जैसे युवा और सच्चे लोगों की ज़रूरत है, और कावेरी को ज़रूरत है आप जैसे मेहनती और पढ़े लिखे लोगों की। हम आपसे मदद की उम्मीद रख सकते हैं ना? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं बस वो जरूरी फोन कर रही थी। तुम्हारा फोन करना ज्यादा जरूरी है? अगर ओम का ध्यान नहीं रख सकती हो तुम तो। मैं ध्यान रख सकती हूँ भैया, अपने बच्चे का मैं अच्छी तरह से ध्यान रख सकती हूँ। बस मैं वो जरूरी फोन करी थी इसलिए। माँ बनने का इतना बड़ा शौक था कि मेरे बच्चे पर अपना हक जमा कर बैठी हो, और माँ का फर्ज निभाना नहीं आता तुम्हें? ओम मेरा बेटा भैया, सुन लिया आपने? और वो सिर्फ मेरा ही बेटा रहेगा। देखो जयंती, मैं ओम की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा। राकेश, जयंती ओम की माँ है, और ओम के आंखों में वो भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ओम बच्चा है, वो कभी हंसेगा तो कभी रोएगा भी। लेकिन माँ, मेरा बेटा कभी नहीं रोएगा। माँ, फिर से भैया बार बार कह रहे कि इनका बेटा है। हाँ हाँ कहूंगा, एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, ओम मेरा बेटा है। और बहुत जल्द आप सब लोग भी इस बात को मानोगे।
और तब ओम तुम्हारी गोद में नहीं बल्कि मेरी बाहों में होगा, समझी? यशोदा भाभी बहुत परेशान है, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। कुछ भी हो भाभी, हमें विश्वास है कि सब ठीक हो ही जाएगा। हो जाएगा। हाय। अरे राजेश्वरी। वैसे तुम दोनों बहुत सरप्राइज होगी ना मुझे यहाँ देखकर। वेरी हैप्पी फॉर यू, बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम अपने माहौल में वापस आ गई। मुझे तो शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारी मम्मी आई थी, धमकी देकर गई। इट्स ऑब्वियस कि जो कुछ भी मैंने और रिमझिम ने मिलकर किया है दैट इज रियली अपसेट। लेकिन उनके जाने के बाद मिस्टर महात्रे आए थे और उनके कहने पर मैं यहाँ पर आई। वो ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें कन्विंस करूं कि तुम राजनीति में वापस आओ। नेवर, कभी नहीं। छोड़ो ना ये सारी बातें, चलो चलिए। हाँ जी खन्ना साहब, शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, नाउ इट्स कॉल्ड ओम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। जी, अरे बस यूं ही सोचा कि कोई नई शुरुआत की जाए। जी थैंक यू वेरी मच। पुरानी कंपनी बंद करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कुछ रॉन्ग मूव्स हो गए थे, कुछ गलत डिसीजंस कर लिए थे, काफी प्रॉब्लम्स दे रही थी। सोचा बंद ही करते हैं, लेट्स हैव अ न्यू स्टार्ट। या थैंक्स अगेन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ गुड बिजनेस विद यू। या सी यू, बाय। कहाँ राकेश बेटा, मुस्कुरा रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई। हम तो चाहें तुम हमेशा क्या नाम से मुस्कुराते रहो, लेकिन भैया हमें तो बड़ी टेंशन हो गई है ये जान के कि बड़के भैया तो कोई नई कंपनी खोलने के चक्कर। नई कंपनी? लेकिन हुए तीनों के तीनों बाप बेटे इसी चक्कर में। कर लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रुपया नहीं है उनके पास। नहीं राकेश बेटा, वो तीनों के तीनों चोट खाए हुए हैं बहुत तगड़ी, खून में क्या नाम से ससुरा बहुत ज्यादा ही उबाल है। हाँ, और वो तुम्हारे भाई? अरे गलती हो गई, जब ससुरे कोई रिश्ते नाते ही नहीं रहे तो भाई काहे के। वो ससुरे वो क्या नाम है, वो प्रतीक और अविनाश, तुम्हें बर्बाद करने के लिए क्या नाम से जी जान एक कर देंगे और बड़ के भैया उनका मार्गदर्शन करेंगे। और भैया अगर कहीं ऐसा हो गया, अगर उनके वारे न्यारे हो गए, वो आबाद हो गए और भगवान न करे तुम, नहीं मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो ऐसा हो जाए तो भैया हमें तो बड़ा डर लग रहा है। तो देखो मार्केट में वही सप्लायर है, वही डीलर है, उन्हीं के साथ तुम्हें काम करना है और भैया उन्हीं के साथ उन्हें काम करना है। और वो तो तीनों के तीनों मिलकर के क्या नाम से तुम्हारे डीलर सप्लायर को तोड़ने के चक्कर में है। हाँ, हमें तो भैया खतरे की घंटी सुनाई आ रही है राकेश बेटा, खतरे की घंटी। हाँ Thank you.
आपको काम में डूबा देखकर पुराने दिनों की याद आ जाती है। कितना बिजी रहा करते थे आप। हाँ इरावती, वो बिजनेस की शुरुआत के दिन थे और अब एक नए सिरे से बिजनेस शुरुआत करने के दिन आ गए। और जब हमने सोचा था कि अब आराम के दिन आ गए हैं और हमारे बच्चे सब संभाल लेंगे। हाँ तो संभाल तो लिया भाई, तुम्हारे बेटे ने सब कुछ संभाल लिया है। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है इरावती, मुझमें अब भी विश्वास है। इरावती, पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मजेदार स्टेटमेंट दी। वो क्या हुआ कि पार्टी में कुछ वो क्या यंग ब्लड कुछ ज्यादा ही फुदकने लगा, तो उन्होंने कहा कि भैया ना मैं अभी टायर्ड हुआ हूँ और ना रिटायर्ड हुआ हूँ, सबके मुंह छोटे छोटे से हो गए। बस यही बात मैं खुद पर भी लागू करने की कोशिश कर रहा हूं। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? राकेश, ये कोई तरीका है बात? मुझसे बात कर रहा है शायद, कर ले तो। हाँ, क्या पूछा तुमने कि मैं क्या कर रहा हूँ? अपना नया बिजनेस जमाने के लिए आप मेरे डीलर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना करूं कोशिश, हाँ? जब तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया है तो क्या करूं, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? आप लाख कोशिशें कर लीजिए बाबूजी, कामयाब नहीं हो पाएंगे आप। यानी कि तुम पूरी कोशिश करोगे कि हम कामयाब ना हो? कोशिश नहीं, मैं ऐसा जरूर करूंगा बाबूजी। अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपको जिन सप्लायर्स की मदद लेनी पड़ेगी ना, उन्हें मैं अपने इशारों पर नचा सकता हूँ, इशारों पर। यानी तुम हमारी सप्लाईज भी रोक दो? बीवी, प्लीज जरा इससे कह दो कि यहां से दफा हो जाए। सुना नहीं तुमने? सुन लिया मां। बाबूजी, अभी अभी जो मैंने आपसे कहा ना, इसे धमकी मत समझिएगा। I mean every word of it।